वेलकम बैक टू चैनल पहाड़ी ब्रदर्स। तो गाइस आज हम तैयार हो चुके हैं, देख सकते हैं हमारी टी शर्ट। और अगर आपने इंट्रो नहीं देखा है तो जाके देख लेना, हमने शॉर्ट्स में भी डाल दिया है। और सबसे बड़ी बात, आज हम लोग कहाँ जाने वाले हैं ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं और सबको पता भी है। तो गाइस हम जा रहे हैं मथुरा, कृष्ण की नगरी में। तो आपको दिखाने वाले हैं पूरा व्लॉग, और इस व्लॉग से पहले आपको बहुत सारी अपडेट भी मिल जाएगी। हम शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस दिखाएंगे ताकि आप भी कृष्ण के दर्शन कर लें। और इसीलिए गाइस हम यहां पर स्पोर्ट्स की लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाएंगे आज, क्योंकि हम जा रहे हैं मथुरा। चलो गाइस मिलते हैं। हमारे साथ बहुत ज्यादा लोग जा रहे हैं आज, बहुत बड़ा ग्रुप जा रहा है। तो लेट्स सी, देखते हैं हमारा वेट हो रहा है शायद। भाई कैब आप हमारा वेट कर रहे हैं मेरे भाई, सब वेट कर रहे हैं, निकलते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है तो आपको भी दिखाते हैं मथुरा, जल्दी ले चलते हैं। हाय संजीत भैया, ऐसा लग रहा है एक बॉडी बिल्डर अकेला चल रहा है। तो ये रहा हमारा ग्रुप। हाय रजनीति, हेलो बोल दो एक बार सबको। हेलो। हाय आयुष, अभी ऑटो से सवारी करने वाले हम लोग। तो गाइस हम लोग तो वेट कर रहे हैं कैब का, और हमारा आधा ग्रुप निकल चुका है ऑटो में। बाय बाय, जल्दी पहुंचना, 3 बजे की, 3 बजे की ट्रेन है। तो गाइस अभी हम कैब से पहुंच चुके हैं अपना हजरा निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, देख सकते हो पीछे ये रहा स्टेशन। अब जाएंगे आगे, जल्दी जल्दी ले, गाड़ी लग चुकी है, गाड़ी लग चुकी है, क्योंकि भाई अभी हम जस्ट थोड़ी देर पहले पहुंचे। ठीक है, बंद करते हैं, लेट हो गए। तो बस गाइज हम भगवान की दुआ से और आप लोगों की मेहरबानी से पहुंच चुके हैं प्लेटफॉर्म पे। दो दिन से विशाल ऐसा क्या हो रहा है भाई, 2 दिन से इतना अच्छा मौसम और आज ही धूप। आज पहाड़ी ब्रदर्स जो है ना ग्राउंड में आ चुके हैं। मत भागो पहाड़ी ब्रदर्स, हम तुम्हारे साथ हैं। एक्सपायरी चिपकाली है भाई, अभी एक्सपायरी मैंने माल खाया हुआ, अगर मुझे कुछ होता है एक्सपायरी खाना था। तुम और ये शिवानी इसमें खा ले। हाँ, इसे पूरा खा ले, पूरा खा ले। नहीं भाई, यहाँ पर मैंने आलू की सब्जी खाई, बहुत टेस्टी लगी, और हलवा तो उससे भी ज्यादा अच्छा। बहुत बढ़िया बनाया आंटी जी, मजा आ गया। हमारा ग्रुप यहाँ पे भी है जो बहुत मस्ती कर रहा है। ये देखो विशाल भाई, हम फुल मस्ती कर रहे हैं। अगर आपको दिल्ली टू मथुरा ट्रैवल करना है तो आप सिर्फ 1.5 घंटे में ट्रैवल कर सकते हैं बाय ट्रेन। तो यहाँ पे हमारी आप ट्रेन देख सकते हो रुक गई थी, तो पहाड़ी ब्रदर्स बाहर निकल कर थोड़ा सा रोमांचक बनाते हुए इस व्लॉग को। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, आगे तो बढ़ना। कान्हा की नगरी में हम पहुंच चुके हैं और फोटो तो बनती है मेरे दोस्त। इस फोटो के पीछे का राज हम आपको जरूर दिखाएंगे, इस व्लॉग में नहीं, एक वीडियो में।
थोड़ा स्माइल तो कर लो यार, सब इतने उदास क्यों हो रहे हो? क्यों कृष्ण नगरी में आयो, हंस तो थोड़ा। भाई हम लोग पहुंच चुके हैं मथुरा और यहाँ देखिए क्या चल रहा है। यार अगर कभी आप ऐसे, मतलब मैं कहना नहीं चाहता, देख लो कभी फोटोज इतनी ज्यादा आंटियों की फोटोज, अगर आप ग्रुप में बहुत ज्यादा लेडीज फीमेल्स है ना, तो फोटो शूट तो कम से कम आधा पौना घंटा चलेगा एक जगह पे। और मजा आ रहा है भाई, बहुत मजा आ रहा है। हमने भी बहुत प्यारी प्यारी फोटोज खिंचवाई है, हमने भी काफी अच्छे मजे लिए, मजा आ रहा है भाई, ठंडा एनवायरनमेंट है। एक बार बताना भाई कौन किस चैनल को सब्सक्राइब करना है। पहाड़ी ब्रदर्स को सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई, नया लोग है भूल मत जाने से। चलो आगे दिखाते हैं। तो गाइस अब हम लोग जाने वाले हैं जन्मभूमि, सबकी फोटोग्राफ हो चुकी है फाइनली भाई, फोटोग्राफिंग तो पूरी हो गई। चलते हैं यार, देखते हैं कैसा जन्मभूमि। मैं तो फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, मेरा ये पहली बार है। अमन तो यहाँ पर फिर भी आ चुका है कई बार। आज भाई का टेस्ट होगा 21 किलोमीटर नंगे पैर चलना है भाई को पूरा। भाई 21 क्या 50 चलूंगा, नहीं नहीं 50 नहीं 21 चलूंगा। हर बंदा जो हमारे साथ आया वो पहले मुस्कुराता है, और जब व्लॉग का लास्ट पार्ट होगा ना तो भाई का रिएक्शन देखना। नहीं भाई पहाड़ी ब्रदर करेंगे भाई, करेंगे। जय हिंद जय हिंद जय भारत। पैसा ही पैसा बटो भाई, बट पहाड़ी ब्रदर्स पे भी तो उड़ा दो पैसा। पहाड़ी ब्रदर्स के पास बिल्कुल भी कैश नहीं है। बिन मांगे प्यार, मांगा प्यार मिल गया, अब देना भी है पैसा। तो गाइस पहुंच चुके हैं हम मथुरा रेलवे स्टेशन में, अब चलते हैं अपने दर्शन करने। तो गाइस हम लोगों ने एग्जिट ले ली और अब हम जा रहे हैं जन्मभूमि कृष्ण जी के, और यहाँ से हमें मिलेगी रिक्शा या ऑटो। तो भाई एक चीज़ मैं और बता दूँ, यहाँ पर ना मथुरा में उतरने के बाद मैंने देखा कि मास्क किसी ने भी नहीं लगा रखा, तो आप अगर मास्क नहीं लगाना चाहते तो रिमूव कर सकते हैं फिलहाल। हमने भी नहीं लगा रखा है, पर अपनी सेफ्टी अपने हाथ में मेरे भाई, अगर लगाना है तो आप लगा सकते हो। सही आ रही ना फोटो भैया? देख विशाल सही आ रही है, कोई नहीं वो भाई को थोड़ा अच्छा गोरा गोरा जितना लेना, देख कितनी अच्छी हो रही है। आगे लाएगा तब थोड़ी मंडी आ गई। नया व्लॉग आ रहा है पहाड़ी ब्रदर्स का, मैं चलाऊं क्या? ब्रूम ब्रूम फिर तो फ्री लग जाएगा हम सबको, पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आयुष कैसा है मेरे भाई? भाई आयुष ने सच में ट्रेन में बहुत खाया भाई। लाइक जरूर कर देना, आप देख रहे हो वीडियो, क्योंकि लाइक करना भूल जाते हैं, तो लास्ट में करेंगे। इसलिए हम लोगों ने छपवाई छपवाई लिया भाई टी शर्ट में। यहाँ पर देख लो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है भाई छपवाई लिया, बोलने की जरूरत नहीं है आपसे, कर देना। अभी आपको दिखाते हैं कृष्ण की जन्मभूमि भाई, आज के दर्शन के लिए देखते हैं जाके कितना अच्छा दर्शन होगा। दर्शन भी बहुत अच्छा होने वाला है मेरे भाई, दर्शन भी अच्छा होगा, तेरी परिक्रमा भी बहुत तगड़ी होगी। परिक्रमा तो भाई लाजवाब होगी रिक्शे में, नंगे पैर। चलो चलते भैया, अपना नाम बता दो एक बार भैया। नाम अपना नाम विनोद कुमार भैया के साथ आज हम मथुरा देखने जा रहे हैं जन्मभूमि। ये देखिए सारे हमारा ग्रुप अभी एक ऑटो में है, बाकी दूसरा ऑटो भी चल रहा है साइड बाय साइड, तीन ऑटो चल रहे हैं। चलो हम भी चलते हैं। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं कृष्ण जन्मभूमि में। तो गाइस अभी एक बात पता चली है, अगर आप अंदर जाएंगे तो वहां पर ना वीडियोग्राफी अलाउड होती है, ना फोन ले जाना अलाउड है, और ना आपकी कोई लेदर बेल्ट वगैरह कुछ होगा, तो वो आप अपने बैग में रखकर जमा करवा लेना, फिर आप बाहर आकर निकाल लेना। वो इसका रीजन ये है मेरे भाई कि यहाँ पे आकर ना मेरे भाई शांति भंग नहीं करनी वीडियोग्राफी, इसलिए हम लोग आपको ये जन्मभूमि नहीं दिखा पाएंगे। तो चलो चलते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कृष्ण जन्मभूमि का गेट, इससे अंदर भाई कोई भी ना बैठ जाएगी ना मोबाइल। और वहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जो आपके दिख रही है भीड़ थोड़ी सी, वहाँ पर जमा करवा सकते हैं अपने मोबाइल, लेदर का सामान, बाकी और बैग वगैरह जो भी है। चलो चलते हैं। वैसे आप देख सकते हो यहाँ पे भीड़ लगी हुई है, तो हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग कुछ लोग डिवाइड हो जाते हैं और अपना सामान खुद ही संभालेंगे। तो देखिए बाहर से इतना सुंदर लगता है, तो अंदर से सोचिए कितना प्यारा होगा। चलो देखते हैं। तो गाइज हम मंदिर के दर्शन करके आ चुके हैं। सबसे पहले डिटेल में आपको बता देते हैं कि क्या क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है।
महिलाओं के मतलब लेडीज की और जेंट्स की लाइन अलग अलग है, और आप चले जाओ अंदर, बस अपना बेल्ट वगैरह ले जा सकते हो, मोबाइल और अपना पावर बैंक, ईयरफोन वगैरह आपको जमा करवाना पड़ेगा। हमारी दो टीम मतलब बटी हुई है, एक टीम पहले यहाँ पे बैठी हमारा सामान देख रही थी, और दूसरी टीम जो हम लोग थे वो अंदर जाके आए। तो अंदर के दृश्य के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं मेरे भाई। तो सबसे पहले आपको अंदर शूज रखने के लिए एक बढ़िया फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पर लिखा हुआ है कि नो सर्विस नो चार्जेस नो टिप्स, ठीक है, तो आप आराम से शूज अपने जमा करवा दो, बेफिक्र होके मंदिर के दर्शन करेंगे। उसके बाद हम सबसे बड़े मंदिर में गए, बहुत ही प्यारा कान्हा जी का मंदिर है, आप जरूर आना यहाँ। फिर उसके बाद हम लोग गए जेल, जहाँ पे कान्हा जी का जन्म हुआ, और भाई उसके बाद हम गए थे एक छोटी सी गुफा में, जिसके 10 रुपीज़ की आपकी टिकट लगती है पर पर्सन, और भाई उसके अंदर जाना वर्थ इट है। आप जाएंगे तो आपको एक वन वाटिका टाइप की फीलिंग्स आ जाएंगी, साउंड्स आएंगी जंगल टाइप की, वहाँ पे अलग अलग करके बहुत सारे दृश्य दिखेंगे, मजा आ जाएगा, मतलब एक सेटिस्फाइड टाइप, मतलब जितना हमने बचपन में देखा कौन कौन से असुरों से कृष्ण भगवान लड़े हैं उसके बारे में पूरी डिटेल्स और मूर्तियाँ अंदर है। तो टीम टू अंदर गई हुई है, मतलब पहाड़ी 15 लोग आए थे तो आधे लोग अंदर गए थे, अब आधे लोग वापस गए हैं, ताकि हम सामान वगैरह जमा ना करवाएं, कि नहीं तो पर बैग 10 रुपीज़ लगेगा और पर मोबाइल 10 रुपीज़ लगेगा अलग अलग। मेन चीज़ ये भी है, पैसा तो देखो हमने बचा ही लिया, पर मेन चीज़ है हमारा टाइम। हम लोगों का एक दिन का ही टूर है, इस वजह से हम लोगों ने कहा, क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा वेस्ट होता है अगर आप सामान वगैरह लाइन में लगोगे, तो इसलिए हम लोगों ने कहा बहुत लंबी लाइन होती है ना इसलिए, और ऐसे सही भी हो गया, हम घूम के भी आ गए, 7-8 लोग गए थे अंदर, अपना आराम से घूम कर आ गए, भीड़ भाड़ ज़्यादा हुई नहीं। तो चलो भाई इस वेट को ख़त्म करने के बाद देखते हैं क्या होता है। तो गाइज अभी हम अपनी टीम टू का इंतजार कर रहे हैं, और उनका सारा सामान हमारा सामान हमारे पास ही है, जिम्मेदारी हमारे पास है अभी। ये देखो सारा सामान, मतलब हमारी पूरी टीम वहाँ बैठी हुई है। तो इस ब्लॉग को अभी यहीं ख़त्म करते हैं, और इसके बाद हम लोग कहाँ जाने वाले हैं ये आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ही बताएंगे। पार्ट टू का वेट करते रहना मेरे भाइयों। जाते जाते आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बतानी थी, सुबह होती है करेक्ट 5:30 बजे मंगल आरती, और शाम को होती है संध्या आरती 6 बजे। तो यहाँ पे हमने बहुत ही प्यारी प्यारी फोटोज़ खींची ग्रुप के साथ, और आप भी ज़रूर खींचे। तो पार्ट टू से हमने कुछ चुराए हुए मोमेंट्स यहाँ पे डाल दिए हैं, ताकि आप लोग देखें कि नेक्स्ट वाला व्लॉग इससे भी और अच्छा होने वाला है मेरे भाइयों। तो बने रहिए पहाड़ी ब्रदर्स के साथ, लाइक कमेंट एंड शेयर, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।